हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियो जीवन। आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हार्दिक स्वागत है। मूलांक एक, 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग ये जरूर देखें। अगर आपको इसी तरीके की और जानकारियां मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए तो कृपया मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मूलांक यानी आपकी बर्थडे की संख्या को आपस में जोड़कर बना नंबर जो 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक 1 होता है। अब आपके मन में यह जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि इन अलग अलग तिथियों का मूलांक 1 कैसे है। तो देखिए, जिनका 1 तारीख को जन्म हुआ है उनका तो 1 ही है, जिनका 10 को हुआ है तो 1 धन 0 = 1, जिनका 19 को हुआ है 1 धन 9 = 10 = 1, जिनका 28 को हुआ है 2 धन 8 = 10 = 1। तो आइए जानते हैं 1 मूलांक वालों का स्वभाव, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक तथा अन्य स्थितियों के बारे में। मूलांक 1 का प्रतिष्ठाता ग्रह सूर्य है। यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य इनका बहुत ही तेज होता है, इसलिए ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। इनकी आंखों में चमक और नज़र तेज होती है। इनका चेहरा थोड़ी सी लाली लिए हुए होता है, इसकी वजह से यह औरों से थोड़े अलग किंतु रूपदार भी दिखते हैं। लगभग पूरा शरीर सुगठित और आकर्षक होता है। इनकी आवाज़ भारी रौबदार होती है, जिसकी वजह से आप दूर से ही इनको पहचान सकते हैं। मूलांक 1 वाले किसी के अधीन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये बहुत ही निडर, साहसी और स्वाभिमानी भी होते हैं। जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई से ये बिल्कुल डरते नहीं हैं। मूलांक 1 वालों को कभी कभी स्वार्थी भी देखा गया है, किंतु यही गुण इन्हें सफलता दिलाने में भी सहायक होता है। इनका मूलांक 1 होता है, इसलिए सबसे आगे भी होते हैं। अनुशासन और जोश इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। इनके इरादे पक्के होते हैं और वह अपना वचन भी पूरा करते हैं। ये एक राजा की तरह साहसी और स्वाभिमानी भी होते हैं, इसलिए कभी भी किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते और स्वतंत्र रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। इन लोगों को कभी कभी गुस्सा भी आता है, किंतु जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी इनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। घर हो या बाहर, यह सभी से अपनी बात मनवा ही लेते हैं, फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि ये बड़े ही दिल वाले, उदार, दयालु और मेहरबान होते हैं, इसलिए इन्हें यह सम्मान भी बहुत मिलता है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो मूलांक 1 वाले उत्तम शिक्षा के हकदार होते हैं। अगर ये अपनी पढ़ाई लिखाई में रुचि लें तो यह बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। आमतौर पर यह हमेशा लीडर की तरह ही जीते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में यूनियन लीडर के रूप में देखे जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नंबरों से पास होकर मान सम्मान प्राप्त करते हैं, परंतु कभी कभी अपनी जिद में आकर ही शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। वैसे तो ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और इनकी रुचि ज़्यादातर शोध कार्यों में होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ खूब मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। ये उत्साही स्वभाव के होते हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। इनके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक, सभी लोग इनका मान सम्मान करते हैं। अगर इनकी व्यवसाय और आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनकी बुद्धि बहुत ही स्पष्ट और रचनात्मक होती है। ये आदेश लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मूलांक 1 वाले अच्छे प्रबंधक, विचारक, PCS या IAS अधिकारी बन सकते हैं। सूर्य इनको बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है, जिसकी वजह से यह शारीरिक कार्य की अपेक्षा मानसिक कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह लोग अधिकतर प्रबंधक, डायरेक्टर, IAS अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी भी बन जाते हैं। अच्छे डॉक्टर, सर्जन, दांतों के डॉक्टर भी ये लोग बन सकते हैं। मूलांक 1 वाले लोग समाचार पत्रों, पुस्तकों, सिनेमा, बिजली आदि घरों में प्रमुख पदों पर विद्यमान हो जाते हैं। यह लोग जन्मजात लीडर और नेता भी होते हैं और अच्छे राजदूत भी साबित हो सकते हैं। अगर मूलांक 1 वाली स्त्रियों की बात करें तो यह डॉक्टर, किसी संस्थान की प्रमुख, डायरेक्टर, प्लानर, किसी सभ्य सोसाइटी की प्रधान भी बन जाती हैं। इनमें जन्म से ही नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए यह अच्छे नेता साबित हो जाते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सिनेमा, प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी के तौर पर भी ये अच्छे सफल होते हैं। यदि इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सामान्यतः इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। धन के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन बहुत ही अधिक उदार और खर्चीले होने से इन्हें बचना चाहिए।
इनको कभी कभी कुछ बुरी आदतें जैसे जुए की आदत लग सकती है, इसलिए इन्हें इससे बचना चाहिए। हालांकि ये लोग शान शौकत आदि में भी काफ़ी खर्च कर डालते हैं, परंतु ये वैसे कंजूस होते हैं। चापलूसों से भी इन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि चापलूस भी इन्हें बहुत हानि पहुंचाते हैं। यदि संबंधों की बात की जाए तो ये समानता भाइयों में बड़े होते हैं और अपने भाई बहनों की पूरी मदद करते हैं। यदि ये बड़े नहीं होते तो घर के मुखिया या प्रमुख की भूमिका निभाते हैं और किसी भी घरेलू मामले में निर्णय में इनकी सलाह ली जाती है। लेकिन इनके कुछ संबंधी ऐसे होते हैं जो इन्हें हानि पहुँचाना भी चाहते हैं, फिर भी ये उनकी भलाई करते हैं। ये अधिकांशतः इनके मित्र जो होते हैं वो 2, 3 या 9 तारीख वाले जन्मे लोग होते हैं। वैसे इनकी 1, 6, 7 मूलांक वालों से भी इनकी निभ जाती है। अगर इनके विवाह या प्रेम संबंधों की बात करें तो ये जिसे भी प्यार करते हैं उसे दिल की गहराई से चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। विवाह या प्रेम संबंधों की बातों में यह बाहर से कठोर दिखने के बावजूद अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं और ये प्रेम के इच्छुक होते हैं। इनका प्रेम संबंध स्थायी रहता है। यदि अपने प्रेमी प्रेमिका से इनका विवाह नहीं भी हो पाता तो वो तब भी पर ये उनके साथ मैत्री संबंध में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जीवन साथी धैर्यवान, आज्ञाकारी व वफादार भी हो। इनको संतानें कम होती हैं और फिर भी इनको पुत्र जरूर होता है। ये अपनी संतान को बहुत चाहते हैं लेकिन अपना प्यार प्रकट नहीं कर पाते, जिससे संतान के प्यार की इनको कमी महसूस होती है। अगर एक मूलांक वालों के बहुत ही फेमस व्यक्तित्व का नाम लिया जाए तो 1 नंबर वालों में सबसे पहले जो नाम आता है मुकेश और नीता अंबानी का आता है। मुकेश अंबानी का जन्मदिन 19 अप्रैल को आता है और नीता अंबानी का जन्मदिन 1 नवंबर को आता है। दोनों ही 1 नंबर के हैं। ये सभी जानते हैं कि ये बहुत ही सफल और धनी हैं। मूलांक 1 वाले सफलतम लोगों में रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी और बिल गेट्स का भी नाम आता है। रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन जहाँ 28 दिसंबर को पड़ता है, वहीं बिल गेट्स अपना जन्मदिन 28 अक्टूबर को मनाते हैं। ये तीनों ही नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक मूलांक वालों के लिए सप्ताह में रविवार और सोमवार सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, विशेषकर जब ये दिन उन्हीं तारीखों को पड़े। जैसे प्रथम महत्व की तारीखें होती हैं 1, 10, 19 या 28 और दूसरी महत्व की तारीखें जो होती हैं 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29 या 31। अगर ये तारीखें इनके लिए रविवार और सोमवार को पड़े तो ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इनके लिए जो सबसे शुभ कलर माना जाता है वो है गहरा या हल्का पीला, हल्का गुलाबी और हल्के सुनहरे कलर के रंग इनको सूट कर सकते हैं। गहरे रंग से इनको परहेज करना चाहिए। एक मूलांक वालों के अधिष्ठाता ग्रह सूर्य देव हैं, इसलिए अपनी तरक्की और आगे बढ़ने के लिए इनको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य देवता की अच्छी तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए और हो सके तो सूर्य देवता का ध्यान भी करना चाहिए। इससे इनके मार्ग में आने वाली सभी रुकावटें शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।